नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है सर, और आज मैं जिस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं वो खबर संबंधित है मझौलिया पंचायत से, जो कि मीनापुर प्रखंड के अंतर्गत है और जिला मुजफ्फरपुर है। आप दर्शकों को बता दें कि यहां पर जितने भी लोग हैं इस पंचायत के निवासी हैं, यहाँ के ग्रामीण हैं, और इनके साथ जो समस्याएं हो रही है उसको लेकर यहाँ पर बात करने आए हैं, और चौपाल समाचार के माध्यम से हम इनकी बातों को लेकर आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम आप दर्शकों को बता दें कि कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है, इसमें किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर जो भी समस्या है वह ग्राउंड से आकर हम आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमने अभी बात की है पहले, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दो तीन मुद्दे हैं जो कि बहुत ही समस्या जिनके साथ लोगों के साथ हो रही है, इन मुद्दों पर अभी हम बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला मुद्दा जो है, अभी जो श्रम विभाग के अंतर्गत लेबरों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, खासकर ऐसे श्रमिक जो कि रोजगार में मतलब कि मकान बनाने को लेकर हैं या लुहार हैं, उन सब लोगों को जो रजिस्ट्रेशन कराकर उनको लाभ दिया जाता है, उनमें भी समस्या देखने को मिल रही है। और यहाँ पर बहुत सारे, चूँकि ये ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो लोग खासकर इन सब रोजगारों से जुड़े हुए हैं और इनका निबंधन हुआ है, लेकिन इनको और भी समस्याएं हो रही है। तो हम आप दर्शकों को बता दें कि ये पहला मुद्दा है। तो सबसे पहले हम यहाँ के जो स्थानीय हैं, जो यहाँ के और खास करके जो इन समस्याओं को लेकर जो काम करते हैं, उनसे हम बात करते हैं। एक बार यहाँ पर कैमरामैन को कहीं यहाँ पर आए जी, आप बताएं विनोद जी, अपना परिचय बताएं हमारे दर्शकों को। मैं बिहार राज्य निर्माण कामगार यूनियन का जिला उपाध्यक्ष हूँ और सब प्रखंड अध्यक्ष मीनापुर। यहाँ पर हम लोग का समस्या आ रहा है, जो यहाँ पर कुछ बिचौलिया लोग इसमें घुस गए हैं, और बिचौलिया लोग घुस करके गलत गलत प्रोपेगेंडा उठाते हैं। जो हमारे मजदूर का कार्ड बनना चाहिए, हम लोग पहले भी बनाए हुए हैं, और जिसको बनना चाहिए उसको भी अब इस बिचौलिया के लेकर के नहीं बन पा रहा है। वहाँ कह रहा है जो यहाँ मजदूर नहीं है, और जो यहाँ का कुछ ऐसा आदमी है जो वो कार्ड में हम लोग का कहता है जो गलत गलत का बन गया है, और इसके लिए मीनापुर में जो निबंधन होता था वह निबंधन बंद कर दिया गया है। हम श्रम विभाग और सरकार से ही मांग करते हैं जो यहाँ पर मीनापुर में जितने भी बचे हुए मजदूर है उसको निबंधन होना चाहिए, और सरकार का जो लाभ है उस मजदूर को मिलना चाहिए। देखिए, मैं आप दर्शकों को बता दूं, आप चूंकि दर्शकों में हमारे अधिकारी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भी हैं, तो हम जिनसे बात कर रहे हैं वो इस मीनापुर जो मझौलिया पंचायत से जुड़े हैं, और यह जो बात कह रहे हैं इनकी बात को मैं आप तक सीधे पहुंचा रहा हूं। इन्होंने बताया है अभी कि यहां मीनापुर में जो रजिस्ट्रेशन था, जो जो लेबरों का रजिस्ट्रेशन होता है वो बंद कर दिया गया है, ये दिक्कत हो रही है, यहां पर लोगों को ज़रूरत है उसकी। हम आप एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, ये योजना है वो हमारे दर्शकों को बताएँ कि क्या योजना है, उसको एक बार आप क्लियर कर चुके हैं, अभी बेहतर जानते हैं। इसमें योजना में है जो बिहार सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा चिकित्सा सहायता में 3,000 रुपये दिया जाता है हर साल, और दो लड़की की शादी में 50-50 हज़ार है, उसके बाद स्वाभाविक मृत्यु में 2,05,000 मिलता है, और एक्सीडेंटल में 4,00,000 दिया जाता है। अगर मान लीजिए कोई काम करते हुए गिर गया, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, जिसको 40 से ऊपर परसेंटेज आता है विकलांगता में, उसको हम लोग 75,000 रुपया और 3,000 प्रति महीना देने का काम करते हैं। और मैट्रिक और इंटर में जिसको लड़का लड़की अगर पास करती है तो फर्स्ट करती है तो उसको हम लोग 25,000, और सेकेंड में 15,000, थर्ड में 10,000, और बहुत सारा मजदूर को हम लोग यहाँ लाभ दिलाने का भी काम किए हैं जी। तो ये जो योजनाएं हैं वो किन लोगों के लिए है वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। ये जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर है, जिसको कोई कल वहाँ जो काम करते हैं, हमारे यहाँ सभी मजदूर है, इस वही मजदूर है जो कारपेंटर में है, जो टाइल्स में है, मकान मरम्मती में है, उसी मजदूर सब का हम लोग कार्ड बनवाने का काम किए, अब उसी को बन भी रहा है। चलिए, तो अभी ये इन्होंने बात बताई जो रोज़गार, आप देख सकते हैं ये बिहार सरकार की योजना है, और इसको लेकर मैं भी आपको एक वीडियो में ज़रूर विस्तार में बता करके दूंगा क्या योजना है, और ये बहुत ही बेहतर योजना है उन लोगों के लिए जो इन रोज़गार के कार्यक्रम में जुड़े हैं, तो उनको लाभ मिलना है, लेकिन यहाँ पर नहीं मिल रहा है। देखिए, आप और कौन लोग बताना चाहेंगे इस विषय पर, क्या ये जो बता रहे हैं विनोद जी, आप लोग उस समस्या को वही समस्या को झेल रहे हैं, कौन लोग कहना जी क्या? हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं कोई मदद नहीं मिला है, वो सही बात है, नहीं मिला है मजदूरों को, मदद नहीं मिला है। क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम चाहते हैं ऐसे जो मजदूर है
आज मजदूर मजदूरे होने जा रहा है, कोई काम विकास नहीं होता है। इसलिए गरीबों को मदद होना चाहिए सरकार की तरफ से, जो विनोद पासवान उठाए हैं कदम, इसको आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, तो ये यहाँ पर जो उपस्थित हैं, जितने भी दर्शक जो भी साथ में हैं, जिन्होंने अपनी बात कहने को लेकर यहाँ पर आए हैं, वो लोग भी बता रहे हैं कि ये योजनाएं यहाँ पर चलनी चाहिए और जो अन्य लोग जो बचे हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। एक बात बताएं, अभी हमारे साथ कई माताजी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन लोगों से भी हम बात कर जानते हैं। अभी जो विनोद जी ने बात कही, क्या वो समस्या से आप लोग जूझ रहे हैं? हाँ हाँ, क्या आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया? नहीं नहीं, कुछ नहीं। ऊपर से वो करता है तो निमनका लोक लेता है, बुरबका के देवे नहीं करता है, आ वो कब बोलता है तो वे बेकार होता है जी। हाँ, तो इसको लेकर के आप लोग अपने मुखिया जी यार से भी बात किए हैं? ना ना, मुखिया कहता है हम कुछ नहीं जानते, हम नहीं जानते। दार में इतना हिला के ले गया पन्नी के लेल, तो तीन बार गए तो एको बार में ना दिया, एक बार गया गए तो पैसा ले लो, तो कह ला पैसा मुखिया जी जे खाए, दारो वाला पैसा ना ला, मुखिया जी पनीर ला पैसा ला बोले ला न देलक हमरा। मुखिया है, अच्छा खैर ये व्यक्तिगत मामला अलग है, लेकिन लेकिन हम ये कहना चाहेंगे आप लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है जी। ना नहीं मिल रहा ना। चलिए, तो आप बताइए आप क्या कहना चाह रहे थे? हमरा सबके ना दाही वाला पैसा मिले, ना कमाए वाला रोज मिले छे, ना कोई पाए नहीं कोई ना ब, ब। रजिस्ट्रेशन अभी जे लेबर रजिस्ट्रेशन वाला जे बतलन उ भेलै या ना? अभी ना भेलै, वो ना भेलै, करवावे के है। चलिए, तो ये देखिए, ये मैं आप दर्शकों को बता दूं कि यहाँ बहुत बहुत लोग यहाँ पर आए हैं और इन लोगों को जो जैसे जैसे जानकारी मिल रही है, चूंकि गांव ग्राम में जपाल जब यहाँ पर आता है तो गांव ग्राम के लोगों को आशा जगती है कि यहाँ कुछ होगा, यहाँ लोगों को मदद मिलेगी, और उसी को लेकर यहाँ पर लोग आए हैं। आप देख सकते हैं कई बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं और व्यक्तिगत रूप से सभी लोगों से बात करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप दर्शक देख सकते हैं कि इधर समस्या कितनी गंभीर है और किस तरह से इसका निदान निकालने की आवश्यकता है। मैं आप दर्शकों के माध्यम से जरूर कहूंगा, चूंकि आप दर्शक हमारे अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि हैं, तो इन समस्याओं का जरूर से जरूर निदान निकलना चाहिए। एक बात विनोद जी, चूंकि आप यहाँ पर जो लोग हैं उनको समझते हैं, अब बताइए कि ये सब जो समस्या है इसको लेकर जनप्रतिनिधि कितना काम कर रहे हैं, जो कि उनका दायित्व तो बनता है लोगों की मदद करना? देखिए, ये जनप्रतिनिधि तो कुछ बोलबे नहीं करते, अगर कन्या विवाह का भी हम लोग कागज भेज देते हैं उनको यहाँ, तो वो 10 दिन 15 दिन रखते हैं, उसको बाद भी नहीं देते हैं। अगर कोई बिचौलिया उनको जो है वो कहते हैं तब जा कर के करते हैं, न तो वो देवो नहीं करते हैं। ये तो और हम लोग का है, जो यहाँ का जो वर्तमान मुखिया है वो हम उनको कोई कटाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका जो बिचौलिया है वो लोग उनको चलने नहीं दे रहा है। चलिए, तो ये है यहाँ की स्थिति कि यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी उदासीन हैं और लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा एक बात बताएं, ये जो अभी राजस्थान के जो श्रम विभाग की योजना के अलावा अन्य योजनाओं की क्या स्थिति आपके पंचायत में? यहाँ पर तो बहुत जो बाढ़ वाला में भी इस लोग के 6-6 हज़ार रुपया जो पिछला बार 17 में मिला था वो भी नहीं मिला, 25 के सूची जमा करना था, ये लोग 1 या 2 के किए कि नहीं किए वो भी लोग को मालूम नहीं है, बहुत हम लोग हल्ला हंगामा किए तो सब कागज लोग की दो सुन रहे फाड़ के फेंक दिया, 1 भी 6 हज़ार वाला नहीं मिला। और अभी देख रहे घरे घरे लोग घूम घूम करके कह रहा है जे इंदिरा आवास 50 हज़ार वाला मिलेगा, उसमें भी लोग 1000 रुपया ले रहा है, आवास सहायक के द्वारा यहाँ लिया जा रहा है और फोटो खींचा जा रहा है, अब उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो वक्त बताएगा। 20,000 सभी लगे समस्या है। हाँ। अच्छा आप लोग लिखित कुछ आवेदन आप लोग दे पा रहे हैं जो अधिकारी पदाधिकारी को इसके संबंधित? मान लीजिए जो कौन सुनने वाला है, ब्लॉक में तो कोई स्टाफ रहते नहीं है, न BDO साहब न CO साहब, अगर ज़्यादा बोलिएगा तो यहाँ अभी यही नियम हमारे प्रखंड में बना है जो आप पर FIR कर दिया जाएगा, यह ज़्यादा बोलता है। चलिए, तो देखिए ये जो बात मैंने आपको बताई है विनोद पासवान जी के माध्यम से, ये विनोद पासवान जी यहाँ जो स्थानीय है मझौलिया पंचायत के हैं और ये मीनापुर प्रखंड है, मुजफ्फरपुर जिला है। आप दर्शकों को मैं बता दूं कि ये जो कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आपको मैं बता रहा हूं, यह अभी शुरुआत है, आगे भी हम ग्राउंड पर जाकर उन सारी योजनाओं के विषय में आपको बताने का प्रयास करेंगे जो योजनाएं यहां तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे मैं ज़रूर आप सभी दर्शकों के माध्यम से आग्रह करूँगा कि ऐसे जो हमारे जनता जो जनता की समस्या है, जो यहाँ के लोगों की समस्या है, उसको लेकर आप जरूर काम करें। और यहाँ जो भी बातें इन्होंने बताई है, विनोद जी से आप मुलाकात का अगर लगता है आपको कि इनसे और बात करनी है तो आप स्वयं आकर अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि आप इनसे बात कर। क्या और लोग जो आपसे पूछने जानने आएंगे उनको आप बताएंगे समस्या क्या है? सारा बात हम लोग बताएंगे, जो मेरा पंचायत का समस्या है और प्रखंड का वो तो हम बताएंगे ही। चलिए,
तो ये यहाँ पर ये शुरुआत है, अभी तो दंगल शुरू हुआ है और इसमें आप सभी लोगों का साथ चाहिए। मैंने अपने स्तर से अपने दायित्व का निर्वहन किया है, जो मीडिया का सामाजिक सरोकार है, जो समाज से जुड़ी हुई बातें हैं मैंने उसको लेकर आपके बीच रखी है। अब आपको चाहिए कि आप इसमें अपना सहयोग करते हुए लोगों का निदान निकालें। अन्य और कोई लोग कुछ और कहना चाहेंगे? जी जी, एक मिनट जी, देखिए आप दर्शकों को मैं जरूर कहना चाहूँगा, देखिए समस्या क्या है। हाँ, अपना परिचय बताइए, परिचय बताओ पहले। हमार घर है मझुआ, नाम है मीना देवी। आ मतलब ये बोले छे जे पांच गो बेटा है, राशन कार्ड में सबके नाम ना है, पोता पोती के ना है, आ सरकार फ्रीए कोटा दै छै, तो फेन कोटा हमरा से कहां मिलैय? एकरा लेल आवेदन करलिए ये राशन कार्ड बनावे लेल? अब हम केने जाऊ, हमरा से के देखले ना है, उ बात बतथिन तब ना जाब कहू। अब अखन त मालूम है त अइली आ ओला ना जाय, ओला जाय। एक बात बताओ, इमें अपने के मुखिया जी चाहे अपने के जे वार्ड मेंबर है, पानी टंकी से चलबे ना करै छै, जमीन में पानी टंकी मुखिया वार्ड करवा देलक, बोले तोरा नौकरी होतौ आ हमरा वार्ड चाभिए ना दैय। आय हमरा वार्ड चाभिए ना दैय, एगो पानी टंकी ना चल रहल है, जे गरा गेलै या उ एक महीना दू महीना चलैया बंद है। ये कोन पंचायत है? हमर पंचायत है मझौलिया पंचायत है, बाकी घर मझुअर में बोलैय। अच्छा, तो ये मझौलिया पंचायत है और वार्ड नंबर कौन है यहाँ पानी न चल रही? पुनीदास पंचायत वार्ड कौन नंबर वार्ड है? सात नंबर। हाँ, तो ये देखिए क्या है, अब लोग जागरूक हो रहे हैं। मैं सबसे पहले बात ये बताना चाहूंगा कि अब आपकी जो चुप्पी है आप दर्शकों के माध्यम से मैं संबंधित अधिकारी पदाधिकारी को बोलना चाहूंगा, अब आपको चुप्पी तोड़नी पड़ेगी, चूंकि गांव ग्राम में अब माताएं बहनें लोग अब जागरूक हो रहे हैं। तो देखिए ये यहां पर जो समय मैंने आपसे लिया है, वो समय के अनुसार बहुत सारी बातें हैं यहां पर होनी है और आज अभी बातें शुरू हुई है। और आखिरी में मैं विनोद जी से ही बात करना चाहूँगा कि और कोई समस्या हो जो हमारे चौपाल समाचार के माध्यम से बताना चाहते हैं तो बताएं। और यहाँ का समस्या बहुत है, समस्या तो हम लोग बताएंगे तो भर दिन लगेगा। समस्या यहाँ ये है जे कोई किसी पब्लिक को कोई सुनने वाला नहीं है। अगर वो जो अभी मीना देवी बता रही थी सही बात है, बहुत आदमी को राशन कार्ड में नाम छूटा हुआ है, जो जुड़ने वाला में वो सही बताया है। और वृद्धा पेंशन में भी बहुत हमारे यहाँ 60-70 बरस के हो गए, उनका भी नाम नहीं जुड़ रहा है। और इंदिरा आवास में भी बहुत आदमी का यहाँ पर 20-20 हज़ार रुपया लिया जा रहा है, जितना भी इंदिरा आवास मिला है सबसे 20 हज़ार लिया गया है, उसका घर भी नहीं बन रहा है। तो ये सब तो समस्या ही है मेरा पंचायत में। तो ये सारी समस्याओं का लिस्ट है, यहाँ समस्याओं का जखीरा है। और मैं आप दर्शकों को जरूर कहना चाहूँगा कि अपने अपने माध्यम से जरूर से जरूर अपनी बात को, जो इन्होंने अपनी बात रखी है, उसका निदान निकालने का प्रयास करें। ये खाली हवा हवाई से नहीं चलेगा, सरकार जो योजनाएं लेके आ रही है उनसे नहीं चलेगा। और ये आपकी ये जनता है, आपके यहाँ के लोग हैं, यही आपको सीधे सीधे बता रहे हैं। और किन्हीं लोगों को कुछ कहना है तो आप एक बार बताएं जी, बताएं। 20 हज़ार रुपया जो दिया जा रहा है, ले रहा है मतलब घूस, वो भी 20 हज़ार रुपया, जैसे उसका वार्ड हो या उसका अपना आदमी हो, जैसे उसका गैंग का उसका बोली विचार का, वो बगले में हमको घर रहेगा, हम उसको साथ में ना है तो वो हमको ना देगा। जिसका है उसका दो चार को अपना लगुआ बजा उसका दे सकता है, दूसरा किसी को ना दे सकता है। चलिए, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, वार्ड वाला 6 हज़ार रुपया 12 नंबर के किसी के ऐबे नहीं किया है, अब इसलिए विधायक साहब कहाँ गए, ये सब मुखिया कहाँ गए, सब कोई पता ही नहीं चला, एको खाता ही नहीं खुला। चलिए, तो देखिए यहाँ समस्या बहुत है, लेकिन मैं आप लोगों को भी एक बात कहना चाहूँगा, चूँकि चौपाल समाचार सूचना लेने और देने का भी है, जितनी भी जानकारी है हमारे चौपाल समाचार के पास आप सभी के साथ हम लोग शेयर करेंगे। और आप लोगों को कहेंगे कि लिखित में भी आप इन सब चीज़ों की शिकायत करें, संबंधित अधिकारी पदाधिकारी, तो उन्हें कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। क्या ये उचित रहेगा? हाँ, इसमें विनोद पासवान जी ये काम कर रहे हैं तो ये पब्लिक को भलाई कर रहे हैं, ये कोई बुराई ना कर रहे हैं। बाकी इसमें बिचौलिया का बहुत का जानकारी रे है, अगला तो भागल जा रहा है ऊपर में, वो अगला मेहनत करता है, 10 गो पब्लिक के लेकर कहने दीजिए, लेकिन आप लोग लिखित में शिकायत करिएगा। 10 गो पब्लिक के लेकर चल रहे हैं मजदूर, यहाँ मीनापुर थाना में मजदूर आपको दिखाई देगा, हमारा मझौलिया पंचायत में 95% मजदूर है और सबको लेकर चल रहा है, दबा रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसमें रोक लगा दिया, विधायक जी लगवाए हैं, बचिलुआ लोग लेके यहाँ से गया है, तो सब जब चल चल
तो ये देखिए, ये हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे, आप सभी दर्शकों को हम कहना चाहेंगे कि यहाँ पर लोगों को समस्या बहुत है, इसलिए बहुत सारे लोग अपनी अपनी बात रखना चाहते हैं। लेकिन विनोद जी, आपको ये लिखित आवेदन सारे समस्याओं को लेकर देना चाहिए, क्या ये बात सहमत आप हैं इसे? नहीं, तो हम लोग तो सहमत है, तो हम लोग किसको देने जाएंगे? हम लोग तो बार बार लड़ाई लड़ते हम लोग प्रखंड में भी CO साहब के दिए हैं, ये बाढ़ वाला को लेकर भी दिए हम लोग, तो कहाँ कोई जांच फांच होता है, यहाँ तो कुछ चलता नहीं है। वो लोग भी कोशिश करिए, लेकिन वो भी एक तरीका है, आपका भी ये प्रक्रिया है, लोग जनता अपनी बात, लेकिन कागज़ के रूप में जब आप रखेंगे तो उसका बहुत सारा रास्ता है आगे बढ़ाने का, फिर उसको आप आगे काम करेंगे। जी, क्या सहमत हैं? तो हम लोग तो 12 नंबर वार्ड से भी और पंचायत से भी हम लोग 6,000 के लिए CO साहब के हम लोग पूरा सूची बना के और धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी हम लोग प्रखंड में देने का काम किए, लेकिन इस पर कोई सुनवाई आज तक नहीं हुआ। चलिए, होगा अब होगा। हम आशा रखते हैं कि अब जो इन्होंने आवेदन दिया है, यहाँ की जनता लोगों ने आवेदन दिया है, उस पर सुनवाई होगी। और आप दर्शकों को जरूर मैं कहना चाहूँगा, चूंकि आप दर्शकों में हमारी आशा है, आप ही दर्शकों से हमारी आशा है कि आप हमारे दर्शकों में अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि हैं, तो आप अपनी बातों के माध्यम से, अपने सहयोग के माध्यम से मझौली पंचायत की जनता की मदद करें, यहाँ के लोगों की मदद करें, यह हमारी आशा है। आखिरी माता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? वार्ड मुखिया दाही वाला पैसा ना मिला, कहा कि 500 रुपया दीजिए घूस तो मिलेगा, तो यो 500 रुपया दाही में दिया तो नहीं, तो यो ना मिला 6,000 दाही वाला पैसा, 500 घूसो ले लिया तो यो ना मिला। चलिए देखिए, ये बहुत सारी समस्या है, और अब मैं दर्शकों को आज के लिए बस इतना ही मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ कि ये मझौली पंचायत है, मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत मीनापुर प्रखंड में, और यहाँ समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। तो आप दर्शकों के लिए आज के लिए बस इतना ही, आगे भी ऐसी जानकारी को लेकर हम लोग आते रहेंगे। कैमरा पर्सन रमेश कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।